हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट पहला वीडियो होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन वो हम लोग का क्या होगा, आप लोग को इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या दिया। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कितना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि अर्थात बात करें इसमें कि पूरक कोण, इसका पूरा हिंदी होगा क्या, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें पूरक कोण और समपूरक कोण, यदि हम लोग बात करें पूरक कोण के बारे में, तो हम लोग क्लास 9th और 8th 7th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पूरक कोण समपूरक कोण कैसे क्या होता है सब। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, हालांकि इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है कि इसमें बोलता है, इसमें लिखते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं और कब बोलते हैं, देखिए इसमें तो ये हमारा बोलता है कि दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहा जा सकता है जब उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। अब देखिए इसमें बोलता क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहा जा सकता है जब उनके दोनों कोण का योग क्या हो, 90 डिग्री। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों एंगल को ऐड करेंगे और जो ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कितना, 90 डिग्री में अगर होगा तो हमारा दोनों क्या होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहेंगे जब उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो कितना, 90 डिग्री के रेशियो में आना चाहिए, 90 डिग्री के अनुपात में होगा। तो हमारा क्या होगा, कोण कितना होगा, एक दूसरे जो हमारा पहला कोण होगा वो भी एक दूसरे क्या होगा, दूसरे कोण की अपेक्षा क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्या होगा, पूरा कोण होगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है, कोण ए है और कोण बी, इस कहने का अर्थ है कि ये कितना हो, 90 डिग्री का होना चाहिए, कि कोण ए और कोण बी जो होगा वो कितना 90 डिग्री के रेशियो में होना चाहिए। देखिए कितना होता है, जैसे कि मान ले अगर कोण 60 डिग्री कि अगर कोई एग्जाम अगर कोई क्वेश्चन में इस तरह से बोलता है, एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है कि यदि ए कोई कोण हो जिसका मान दिया है 60 डिग्री, तब इसका पूरा कोण ज्ञात करें, तब इसका बोल देगा कि पूरा कोण क्या होगा, मतलब 60 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। यदि ए बराबर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, क्या होगा। तो हम लोग देखते आ चुके हैं कि 60 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं पूरा कोण के लिए पूरा कोण के लिए क्या रखते हैं कि जो एंगल ए होता है और जो एंगल बी होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री वाली होता है। तो हमारा जो कोण पूरा कोण इसी प्रकार से हम लोग को ज्ञात होता है। तो हम लोग क्या दिया है, एंगल ए के जगह पर दिया है पूरा कोण 60 डिग्री दिया है, जिसको चाहेंगे हम लोग एंगल ए प्लस एंगल एक्स, अब कुछ नहीं है तो यहाँ पर मान लेते हैं एंगल एक्स बड़ा कितना है 90 डिग्री है। तो अगला इसका पूरा कोण क्या होगा वो हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वाट लगा सकते हैं, या चाहे अपने जिस अनुसार हम लोग अपना बनाना चाहें उस अनुसार हम लोग देखते थे पहले, तो हो जाएगा एंगल ए बराबर कितना हो जाता था हम लोग का, ये जो वाट हुआ इसको हम लोग प्लस में है ना, प्लस में रख देंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए का मान कितना है 60 डिग्री दिया है, तो इसका मान 60 डिग्री प्लस में हो जाएगा वाट में हो तो वाट रख देंगे और जो होगा 90 डिग्री होगा। तो हमारा जो वाट वो आएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करते थे तो वाट बराबर कितना हो जाता था 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा कोण हो जाता था। अब उसी तरह से हम लोग देखते थे सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण, समपूरक सेम इसी तरह से इसका भी प्रोसीजर है, बस इसमें देखना है क्या कि इसमें जो होता है वो कितना, एंगल ए प्लस एंगल जो बी होगा वो कितना होगा, एंगल ए और एंगल जो बी होगा कितना होगा 180 डिग्री का होना चाहिए, बस सेम इसी तरह से प्रक्रिया है। जैसे मान लें कोई एक कोण दे दिया 120 डिग्री, तब बोलेगा कि इसका
समपूरक कोण क्या होगा, एंगल 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। तो एंगल 120 डिग्री में क्या ऐसी चीज़ जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अगर नहीं पता है तो इसको मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए एक्स डिग्री मान लीजिए, तो हो जाएगा 120 डिग्री प्लस में एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री मान लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा एक्स डिग्री बराबर हम लोग जो आएगा वो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग का एक्स डिग्री का जो मान होगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 180 में 120 हटाएंगे तो 60 डिग्री में आएगा। तो इस तरह से हम लोग को संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से इसको बात करेंगे, इसका एंगल किस तरह से निकाला जाता है, उसको किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने बुक के कंसेप्ट पे आते हैं कि जो क्या दिया है इसमें पूरक कोण, केवल पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि अब हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिस पे हम लोग पूरक कोण को देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए, तब तक हम बात करते हैं इसमें क्या कि कोणों के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग अब देखेंगे। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्या देखना है कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमिति के आधार पर पूरक कोण को देखा जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए कि इसे हम लोग समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और ये हो जाएगा हमारा शीर्ष क्या सी हो जाएगा। जो बी है कितना है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर यदि हम लोग इसको थीटा लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए अब हम लोग जो भी इस फिगर में देखे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी भाषा में एक अपने लैंग्वेज में इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है हमारा लैंग्वेज क्या है वो पहले लिख लेते हैं कि माना कि क्या माना कि त्रिभुज ए बी सी ए क्या है, सॉरी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी है वो कितना है 90 डिग्री है, कोण ए है कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तथा कोण सी दिया है वो कितना डिग्री है थीटा डिग्री दिया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि 90 डिग्री माइनस थीटा से यानी कि इसके एंगल से देखेंगे। तो हम लोग पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, हमारा पहला होता है साइन, इसमें लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में, तो हमारा क्या हो जाएगा अगर इस के व्यू से देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या आधार हो जाएगा, इस बेसिस पर तो हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसके अनुसार देखें तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री सामने वाला भुजाएं जो होती है वो हमारी फिक्स होती है, क्या हो कहलाती है वो कर्ण कहलाती है, यानी कि हाइपोटेनस ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अगर इसके बेस से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इस बेस से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा बेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि इस एंगल से देखें तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है, तो हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। लंब का मान क्या है बी सी है और एसी का मान ए थी बी सी, कर्ण का मान क्या है ए सी है, तो हो जाएगा हमारा क्या बी सी बटे में ए सी हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा। अब जो थीटा के एंगल से देखेंगे इसमें देखिए थीटा के एंगल से क्या हो जाएगा हमारा बी सी, ये थीटा के एंगल से हमारा क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ये क्या है थीटा के एंगल से फ्रॉम थीटा थीटा से देख रहे हैं, और ये क्या है एक एंगल से देख रहे हैं एक एंगल से देख रहे हैं तो आधार हुआ है, तो इसके सामने से लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो ये बी सी क्या है आधार और ये क्या है कर्ण है, तो हमारा क्या हो जाएगा अभी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थीटा लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग
यहाँ पर लिखते हैं थीटा के अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के अनुसार में देखते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा। जब थीटा के अनुसार देखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा आधार बटे लंब क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हुआ, इसलिए हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा देखेंगे तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग दो नंबर देखेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, इसके एंगल देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान यही ना है, आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी बटे में ए सी, कर्ण तो फिक्स है तो ए बी बटे ए सी। तो यहाँ पर देखेंगे थीटा के अनुसार देखेंगे, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे थीटा के अनुसार अनुसार, तो थीटा के अनुसार देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी क्या होता है, लंब होता है, तो ये हो जाएगा कितना, लंब बटे आधार हो जाएगा, ए बी बटे सी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है साइन थीटा का मान हो जाता है, ये हुआ। अब फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगला, इसे आप लोग को हमारे साथ साथ नोट करते चलना है ताकि कोई भी कंसेप्ट आप लोग को छूटे ना। तो देखिए हम लोग थर्ड में देखेंगे टैन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल से देखेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल से हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो बी सी बटे ए सी कर देंगे, और क्या हो जाएगा बी सी बटे में ए सी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बी सी बटे ए सी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बी सी बटे ए सी जो है वो हम देखेंगे थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार बी सी बटे ए सी। तो क्या हो जाएगा थीटा के अनुसार क्या हुआ, ये लंब आधार, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। देखिए बी सी बटे ए सी, बी सी क्या हुआ आधार हुआ, इसके एंगल से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, कितना हुआ लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो थीटा के एंगल से देखेंगे तो हमारा क्या हुआ, ये लंब हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल से देखेंगे तो बी सी बटे ए सी क्या हुआ, लंब, ये हमारा लंब है ना हुआ, बी सी जो हुआ लंब और ये ए सी हुआ, ये हमारा क्या हुआ आधार हुआ। अब इसमें देखेंगे तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ए सी जो हमारा क्या हो जाएगा ए और सी, ए सी सॉरी यहाँ पे ए सी नहीं होगा ए बी होगा। तो हमारा देखिए बी सी जो होगा क्या है, लंब है पहले, ये क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल से क्या है लंब है, और ये जो ए बी जो है वो आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अब देखना है कि थीटा के एंगल से, थीटा के एंगल से हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो जो बी सी हुआ क्या हुआ, हमारा आधार हो जाएगा, चेंज होगा थीटा के अनुसार देखेंगे तो, और ए बी जो होगा हमारा क्या होगा लंब होगा, क्या हम लोग लंब लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट थीटा के एंगल से देखेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ में क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बाई आधार होता है, तो हमने यहाँ पर लिखते हैं कर्ण बाई आधार। तो कर्ण बाई आधार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कर्ण बाई आधार इसके सामने से लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो कर्ण बाई आधार क्या है ए सी बटे में ए बी है, ए सी बटे में ए बी है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि सेक, सेक कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो देखिए ए सी जो है, ए सी जो है हमारा क्या हो जाएगा ए सी, अब थीटा के एंगल से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे थीटा के अनुसार अनुसार, थीटा के अनुसार देखेंगे तो जो ए सी है, ए सी क्या हो जाएगा कर्ण, तो हमारा कर्ण हो जाएगा बटे कर्ण हो जाएगा, और जब ए बी है ए बी क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो कर्ण का मान क्या है ए सी है और इसका मान क्या है ए बी है, तो ए सी बटे ए बी लिख दिए। और हम लोग देखेंगे थीटा के अनुसार देखेंगे तो थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बी जो है लंब हो जाएगा और ए सी क्या है कर्ण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा लंब और जो ए सी है कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बाई लंब किसका होता है, तो हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा हो जाएगा।
ये इसको प्रूफ कर दिए। अब लोग देखते हैं हम लोग फाइव नंबर में, सेक तो हो गया, अब देखते हैं कॉट थी साइन कॉस टेन हो गया। अब कॉट में देखते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा में, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा का आधार होता है बटे में लंब होता है। तो इसके एंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। आधार का मान क्या है ए बी है और लंब का मान क्या है बी सी है, तो ये हो जाएगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हम लोग का कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, जब देखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा ए बी जो है। अब थीटा के अंदर देखेंगे ए बी क्या है हमारा लंब है और ये क्या है आधार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए इसलिए हम लोग लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा वाला क्या हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का होता है, टेन थीटा हो गया। चलिए अब हम लोग का बचा फाइनली क्वेश्चन कितना कोसेक का देखना है, तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब हम लोग चलते हैं अगले सिक्स में क्वेश्चन कॉट का क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिक्स में कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, उसको जरा हम लोग देखते होते हैं। तो हमारा फाइनली बचा क्या कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बाई लंब होता है, तो इसके एंगल से देखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा ये लंब हो जाएगा, ये आधार है कर्ण, तो कर्ण बाई लंब इनकी ए सी बटे में बी सी, ए सी बटे में बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। और यहाँ क्या देखना है थीटा के अनुसार देखना होता है हम लोग को, थीटा के अनुसार देखेंगे तो ये ए बी जो कहा होगा हमारा लंब हो जाएगा, ए बी का मान नहीं दिया है क्या है ए सी है, ए सी का मान तो कर्ण है तो ये कर्ण होगा ही, और बच्चा हम लोग का क्या है कि ये बी सी है, बी सी क्या है आधार है, तो ये हो जाएगा आधार, तो हमारा कोसेक, कोसेक कितना हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा रखा, तो कितना होता है कर्ण बाई आधार किसका फॉर्मूला होता है हम लोग का होता है सेक थीटा का होता है। सॉरी ये हो जाएगा हम लोग का सेक थीटा हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से इसे भी नोट कर लीजिए, तब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन पे प्रश्नावली पे एक्सरसाइज 8.3 को हल करेंगे और उसको भी पूरी अच्छे बेसिक कंसेप्ट के साथ उसको भी हल करेंगे और अच्छी तरह से आप लोग समझ पाएंगे।